Very good afternoon students, welcome to Inspiring Agricon learning platform. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑनियन कल्टीवेशन यानी कि प्याज की खेती हम कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें कि मेनली जो हम टारगेट कर रहे हैं जितने भी आपके एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, आप सभी इस क्लासेस को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं. आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज चली हैं, ठीक है. तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले पूछना चाहूँगा, क्या मेरी वॉइस आप सभी तक ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल, यस सर नो? क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सान्या, क्या वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल, यस सर नो? फिर हम कंटिन्यू करते हैं यार जल्दी से. बाकी सेशन को यार लाइक कर दो, ठीक है. देखो, अगर हम ऑनियन की बात करें, प्याज की बात करें, तो ये आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जो कि वेजिटेबल क्रॉप में आपकी आएगी, ठीक है. वेजिटेबल क्रॉप यानी कि अगर बात करें हम आपके वेजिटेबल यानी कि आपका ओलेरिकल्चर, ठीक है, आपका ओलेरिकल्चर. और मैक्सिमम वेजिटेबल क्रॉप्स हम आज कवरअप कर लेंगे. वैसे तो हमने 2-3 क्रॉप्स हमने इससे पहले कर ली थी. आपकी कैबेज हो गया, कैरेट आपका हो गया, ठीक है, सॉरी रेडिश और कैरेट हो गया आपका, वो हमने पहले पोटैटो वो हमने कर लिए कंप्लीट. और नेक्स्ट हमारी ऑनियन आज है, और उसके बाद में 5-6 क्रॉप्स हम और अभी पढ़ेंगे आज वेजिटेबल बारी, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है नज़दीक है. वायस परमार की बात करें, आपका जून में एग्जामिनेशन होना है, और जुलाई मंथ में आपका ICAR PG JRF का भी एग्जामिनेशन है, और UG का तो खास परसों एग्ज़ाम है आपका 26 को एग्रीकल्चर का, ठीक है. तो इसलिए जो है आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेस हमारी चलेंगी वो यूट्यूब पे लाइव नहीं होगी, ऐप के अंदर लाइव आपकी चलेंगी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस वायस परमार के लिए. और आपकी जो अदर क्लासेस हैं आपकी 26 के बाद, ठीक है, 26 के बाद आपकी ऐप पे ही ऑनलाइन आपकी होनी है, क्योंकि ऐप पे हमारा टेक्निकल इशू था वहाँ पे, तो आपके लिंक बना के व्हाट्सएप पे भेज जाते थे, ठीक है. वो सॉल्व हो गया, आज ही हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी है उसकी, तो वो सॉल्व हो गया. तो आपके 26 के बाद आपकी जो क्लासेज होनी है वो आपकी ऐप के अंदर होगी सारी, ठीक है. वहीं पर आपको क्लासेज के शेड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है. चलिए लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं. देखो, पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखेंगे हम, ठीक है, तो जिसमें कि देखो कोई तरीका नहीं है, इसको सिर्फ आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद ही करना पड़ेगा तभी चीज़ें आपके माइंड में घुसेंगी. साइंटिफिक नेम की बात करते हैं ऑनियन की, तो एलियम सीपा है, ठीक है, आसान है इसका साइंटिफिक नेम याद करना, एलियम सीपा. साथ साथ में देखो आपको याद करते जाना है, ठीक है. अगर आपको बोटेनिकल नेम पूछा जाए तो आपका एलियम सीपा होगा. वहीं हम फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो फैमिली आपकी है एमेलिडेसी है, इसकी फैमिली है, ठीक है. क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो आपका डिप्लॉयड है, इसके 16 क्रोमोजोम नंबर होंगे, याद रखना, ठीक है. क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो आते हैं यहाँ से. तो ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका मिडल एशिया क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, एशिया है ओरिजिन इसका. अगर एशिया की बात करें तो मिडल एशिया क्या आपका ओरिजिन है, आपका ओनियन का क्या है आपका मिडल एशिया, ठीक है, मिडल एशिया इसका ओरिजिन माना जाता है, जहां से ये ओरिजिनेट आपका हुआ है. अगर हम बात करते हैं आपका जो इसकी इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इसकी इनफ्लोरेसेंस आपकी अम्बल टाइप की है, यानी कि जो फ्लावर का अरेंजमेंट इसका वो कैसा होता है, इसका जो फ्लावर है इसके उनका अरेंजमेंट आपका अम्बल टाइप का अरेंजमेंट फ्लावर का होता है, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं इसके आपकी ये जो क्रॉप है आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे होती है. इसके लिए आपको पहले लेक्चर देख लेना, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं हमने हर एक चीज़ डिस्कस की है आराम से. क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हर एक क्रॉप में मुझे समझाने की वैसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको कि मैं ये टर्म्स आपको बताता रहूँ, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं एडिबल पार्ट की, तो बल्ब इसका एडिबल पार्ट है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, ठीक है. जो आपका ये दिखाई दे रहा है ना आपका, ये आपका बल्ब है, ठीक है, एडिबल पार्ट क्या है इसका बल्ब है, ठीक है. वही हम बात करते हैं आपका फ्रूट टाइप की बात करते हैं, इसका फ्रूट टाइप है आपका स्कीजोकार्पिक फ्रूट टाइप इसका है. अगर हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो हम पहले डिस्कस कर लिए, अम्बल टाइप की इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है. ये जो आपके हैं वन लाइन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे. साइंटिफिक नेम एलियम सीपा है, फैमिली याद कर लो, क्रोमोजोम नंबर याद कर लो, ओरिजिन हो गया इसका, फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, आपकी एडिबल पार्ट इसका बल्ब है, ठीक है. सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है. क्लाइमेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं तो ऑनियन की अगर बात करें तो आपकी कूल सीजन क्रॉप है, यानी कि आपकी जो है विंटर सीजन पे इसको हम कल्टीवेट करते हैं, यानी कि रबी सीजन पे हम इसको कल्टीवेट करते हैं। कब करते हैं? रबी क्रॉप है आपकी, ठीक है। कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप है, रबी सीजन पे ग्रो की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें आपका रबी क्रॉप के अलावा खरीफ में भी इसको उगाते हैं, जेड सीजन में भी हम लगाते हैं वैसे, ठीक है, कई जगह पे लगाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो आपकी रबी क्रॉप है, बेस्ट जो प्रोडक्शन आपकी होती है रबी सीजन में इसकी होती है। आइडियल टेम्परेचर की बात करते हैं किसके लिए? वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, ठीक है। जब आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी इसके, जब आपके इसके जो है शूट्स निकलेंगे आपके, ठीक है, उसके लिए जो है इसकी टेम्परेचर कितना चाहिए आपका? 12.8 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। वही हम बात करते हैं आपका अगर बल्ब की फॉर्मेशन के लिए, जो आपका बल्ब बनेगा इसमें, बल्ब का मतलब जो आपका प्याज जो है, जो आप खाते हो ना प्याज, ठीक है, वो जब बनेगा इसका, उसके लिए जो टेम्परेचर आपका चाहिए, लॉन्ग डे चाहिए, लंबे दिन चाहिए, दिन लंबे चाहिए और टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका बल्ब की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर आपका होना चाहिए, ठीक है, जिस टाइम के बल्ब बनेगी। यानी कि अगर हम बात करते हैं, देखो ये आपका क्या है, आपका क्या कहते हैं, ऑनियन है। इस ऑनियन की बात करें तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, जिसके पत्ते निकलेंगे, ठीक है, पत्ते वगैरह इसके निकलेंगे, तो इसमें जो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए आपका 12.8 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका जो 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए, ठीक है, ये आपका वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। जब आपकी ये बल्ब बनेंगे, बल्ब की फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है आपका, वो आपका टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और बल्ब की फॉर्मेशन के लिए आपके लॉन्ग डे, लंबे दिन आपके होने चाहिए, लंबे दिन आपके होने चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर आपका हाई टेम्परेचर चाहिए बल्ब की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आपकी बेस्ट जो बल्ब है आपकी, अच्छे से आपके बल्ब की फॉर्मेशन होगी अगर आपका ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा। वहीं हम इसकी बात कर लेते हैं आपकी जो है सॉयल की बात करेंगे, इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। देखिए सबसे पहले वेल ड्रेन्ड सॉयल होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब ड्राइनेस की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे आपका जो पानी है वो ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको देखो ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका लूज और फ्रीएबल सॉयल रिच इन ह्यूमस। देखो ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस आपका रिच होना चाहिए, ठीक है, अच्छा खासा ह्यूमस आपका कंटेंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट आपका होना चाहिए। वहीं हम बात करते थे आपकी जो सॉयल की बात करें, सॉयल की बात करें तो आपका आइडियल जो पीएच आपका माना जाता है 5.8 से 6.5 के बीच में सॉयल का पीएच होना चाहिए, यानी कि एसिडिक सॉयल जो कंडीशन होगी, एसिडिक कंडीशन में आपकी अच्छी जो है इसकी आपकी पैदावार होगी, अच्छी आपकी प्रोडक्शन होगी। अगर हम ऑनियन की बात करते हैं, ये तो मैंने कर दी यहाँ पे बात, किसकी बात की? मैंने सॉयल की बात कर ली, टेम्परेचर की बात कर ली। अब हम वैराइटीज़ पे यहाँ पे बात करना चाहेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं वैराइटीज़ की बात करते हैं तो रबी सीजन में कौन कौन सी वैराइटीज़ हम कल्टीवेट करते हैं? अगर हम रबी सीजन की बात करते हैं तो आपको पूसा रेड आपको याद रखना है। पूसा रेड जो आपकी वैरायटी है रबी सीजन पर हम इसको कल्टीवेट करते हैं। आपकी नासिक रेड होगी आपकी और पटना रेड होगी। रेड से सीधा समझ जाओ कि आपका ऑनियन रेड कलर का होता है, तो वैसे आपको याद रखना है, ठीक है। पूसा रेड हो गया, नासिक रेड हो गया, पटना हो गया, ये आपके जगह के नाम तीनों है, पूसा नासिक पटना, पूसा नासिक पटना, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रखते हो, रख सकते हो, जैसे आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश, वैसे तो एनपीके आपका फुल एनपीके आपका है, लेकिन आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश पी से ही मान सकते हो नासिक, ठीक है, फॉस्फोरस से आपका पटना हो गया और पूसा हो गया, ठीक है, एनपीपी और रेड रेड तीनों में लगा ले तो आपको तीनों वैरायटीज रबी की आपको याद हो जाएगी। वैसे हम बात करते हैं उदयपुर 101, 102, 103, ठीक है। उदयपुर से याद रखना है, राजस्थान की जगह, राजस्थान में आपको उदयपुर है, 101, 102, 103, ठीक है। उदयपुर 101, 102, 103, ये जो तीनों वैरायटीज आपके रबी सीजन पे इसको कल्टीवेट करते हैं। और अब आपकी पूसा रत्नर है आपकी, N53 आपकी, कल्याणपुर वैरायटी आपकी है, ठीक है, कल्याणपुर, अर्का बिंदु हो गया आपका, पूसा माधवी हो गया आपका, रेड राउंड हो गया। ये जो वैरायटीज आपके रबी सीजन पे इसको हम ग्रो करते हैं, आपकी ऑनियन की आपकी ये वैरायटीज है। वही हम बात करते हैं खरीफ सीजन में। अगर बात करें हम खरीफ सीजन में, सिंपल सा देखिए, ध्यान रखिएगा, आपकी अर्का कल्याण हो गया, क्या होगा? अर्का कल्याण आपका हो गया, आपकी एग्री फाउंड डार्क रेड हो गया, N53 हो गया आपका, अर्का प्रगति हो गया। ये जो वैरायटीज आपकी खरीफ सीजन की वैरायटीज आपकी है, ठीक है। तो सॉयल की बात हम कर चुके हैं, वैरायटीज हमने देख ली है, वैरायटीज कौन कौन सी आपकी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, पहली बात मैं सीधा बता दूं आपको, हमने इस टाइम पे कम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, ठीक है, आपको पेपर निकालना है, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपका रिक्वायर्ड है सिलेबस में, ठीक है। अगर हम बात करें इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डिटेल में आपको नहीं जाना है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही हमने कवरअप करनी चीज़ें, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। वही हम मेथड ऑफ प्लांटिंग की बात कर लेते हैं। देखो अगर हम आपकी प्लांटिंग की बात करें, नंबर एक आपका जो मेथड फॉलो किया जाता है आपका ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं। किसके केस में? ओनियन के केस में, यानी कि पहले नर्सरी लगाई जाती है, नर्सरी लगाने के बाद यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग आपकी की जाती है। अगर हम बात करते हैं पहले सीडलिंग आपकी लगाई जाएगी, फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं आपके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक है। प्लांटिंग बल्ब्स डायरेक्टली इन दी फील्ड, ठीक है। जो बल्ब है इनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं आपके ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड पे, फील्ड पे ट्रांसप्लांट करते हैं बल्ब को डायरेक्टली, ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग हम कर सकते हैं डायरेक्टली, देखो फील्ड पे हम शो कर सकते हैं डायरेक्टली, आपका फील्ड पे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली फील्ड पे हम क्या कर सकते हैं आपकी जो है हम फील्ड पे हम शोइंग कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग सीड ड्रिल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं फील्ड पे डायरेक्टली शो कर सकते हैं। दो मेथड्स हमारे होंगे, एक हम पहले नर्सरी लगाएंगे, ठीक है, हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। दूसरा जो मेथड्स हमारा हो सकता है वो ये हो सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग करके हम डायरेक्टली फील्ड पे शोइंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे आपके मेन्योर्स और फर्टिलाइजर की बात करेंगे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर क्रॉप की यील्ड आपको 35 टन पर हेक्टेयर चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इतना ध्यान देना है, यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश की अगर बात करें आपका 120 रेशो 120 में आपको नाइट्रोजन देना है, 50 में आपको फॉस्फोरस, ठीक है, और 160 आपको क्या करना है पोटाश देना है। यानी कि रेशो क्या रहेगा कि 120 रेशो 50 रेशो 160 आपकी क्या है ये डोज आपको देनी पड़ेगी किसकी? एनपीके की, ठीक है, एनपीके की 120 रेशो 50 रेशो 160 रेशो में आपको एनपीके अप्लाई करना है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश करना है। वही हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें 15 किलोग्राम आपका रिक्वायर्ड है, और सल्फर की बात करें 20 किलोग्राम यहाँ पे सल्फर आपको अप्लाई करना है। ये आपके यहाँ पे जो है फर्टिलाइजर आपको अप्लाई करने, ठीक है। और अगर हम बात करें आपका एफआईएम से क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं, सब जनरली आपको एफआईएम जो है 20 से 25 टन आपको पर हेक्टर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, ये आपका एफआईएम रहेगा। इरीगेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये देखो इरिगेशन आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिपेंड करती है क्रॉप की स्टेजेस के ऊपर, क्रॉप कौन सी स्टेज पे है उसकी लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी स्टेजेस उसमें आ रही है उसके ऊपर क्या करती है आपकी इरिगेशन डिपेंड करती है। देखो अगर हम बात करते हैं सीडलिंग की, सीडलिंग के लिए जो है सीडलिंग जब आपकी हम तैयार करेंगे, सीडलिंग को तैयार करने के लिए जो इरिगेशन है वो कम जरूरत होती है, ठीक है, कम होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सो इरिगेट दी क्रॉप एट 13 to 15 डेज इंटरवल पे, ठीक है, मतलब 13 से 15 दिन के बीच में हमने इरिगेशन देते जाना है ऑनियन की अगर हम बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑनियन के केस में। वही बात करते हैं बीडिंग की बात करते हैं, इसकी इंटरकल्चर ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो सिंपल से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखो बीडिंग के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो भी आपके अनवांटेड प्लांट्स है, जो आपके अनवांटेड प्लांट्स इसके बीच में आ जाए, ठीक है, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हम हैंड बीडिंग कर सकते हैं, हम कल्चरल मेथड प्रयोग कर सकते हैं, हम मैकेनिकल कर सकते हैं, हम यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं, उसके यूज़ पे से हम जो है बीड्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी कुछ केमिकल्स भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर केमिकल्स की बात करें तो आपका बेसिलिन है 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बात करें 1 हैंड बीडिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ट्रांसप्लांटिंग के 45 दिन के बाद आपको एक बार हैंड बीडिंग जरूर इसमें करनी पड़ेगी। उसके बाद बीडिंग हो गया, इंटरकल्चर ऑपरेशंस आपके हो गए। अब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, यील्ड की बात करते हैं। देखो ऑनियन की हार्वेस्टिंग की बात करें 3 से 5 महीने बाद ट्रांसप्लांटिंग के बाद इसकी हार्वेस्टिंग करने का सही टाइम है, यानी कि 3 to 5 मंथ में। फिर डिपेंड आपका वैरायटीज के ऊपर करता है, सीजन के ऊपर करता है, ठीक है, वैरायटीज के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी वैरायटीज लगाई, ठीक है, कौन से सीजन पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो, वो सीजन भी आपका मायना करता है। उसके ऊपर आपकी हार्वेस्टिंग सारी की सारी ऑनियन की आपकी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम यील्ड की बात करते हैं, ये भी आपकी वैरायटी और सीजन के ऊपर वेरी करती है। अगर हम बात करते हैं आपकी 15 से 20 टन आपका पर हेक्टर आपको बल्ब्स मिल जाएंगे, ठीक है, एक हेक्टर जमीन में ट्रांसप्लांटेड क्रॉप में। कौन सी जो हमने ट्रांसप्लांट की है, 15 से 20 टन पर हेक्टर बल्ब आपको यहाँ पे जो है यील्ड पैदावार यहाँ पे आपको मिल जाएगी ऑनियन की अगर हम बात करते हैं। वही डिजीज की कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज की बात करें जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो बेसल रॉट आपकी यहाँ पे डिजीज है। बेसल रॉट की बात करें, इसका जो कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम है। स्पीसीज की आपकी सीपा है, ठीक है, ये स्पीसीज है। आपका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म याद रखना है। उसके बाद सिम्टम्स क्या होंगे, जो आपके पत्ते इसके होंगे वो आपके येलो कलर के हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो ड्राई हो जाएंगे। पहले येलो कलर के दिखाई देंगे बेसल रॉट में। बेसल रॉट की बात करते हैं, आपकी फंगल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? आपकी फंगल डिजीज है। फंगस के द्वारा आपकी ये स्प्रेड होती है प्लांट में। जिसके पत्ते हैं वो आपके येलो कलर के हो जाएंगे, येलो के बाद आपके यहाँ पे ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे ड्राई होते सूख जाएंगे। जिससे पत्ते आपके सूख जाएंगे, समझ जाओ वहाँ पे क्या होगा कि जो आपके टिश्यू है, ठीक है, जो टिश्यू है आपके सेल हैं उनकी आपकी डेथ हो जाएगी और फाइनली जो है पत्तों में आपकी जो है आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। अगर आपकी फोटोसिंथेसिस ही रुक जाए, खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, तो प्लांट अल्टीमेटली आपका डेड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपकी बेसल रॉट की बात करते हैं, हमने क्या करना है, दी अफेक्टेड प्लांट शोज ड्राइंग ऑफ लीफ टिप डाउनवर्ड, ठीक है, मतलब लीफ की जो टिप है, पहले टिप पे आपके सिम्टम्स आएंगे। जैसे ये पत्ता है, ठीक है, इस पत्ते के सिम्टम्स यहाँ पे आपको येलो कलर के दिखा देंगे और फिर आपके ऊपर से बढ़ते बढ़ते आपके डाउन पार्ट की तरफ पूरे पार्ट में जो लीफ में आपके ये सिम्टम्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा आपका कंप्लीटली जो है आपका जो फॉलियज स्टेज है, जैसे अगर हम बात करें फॉलियज की, फ्लावर जब आएंगी, इन्फ्लोरेसेंस जब आपकी आएगी, आपके पत्ते जो है इन्फ्लोरेसेंस है सारी की सारी आपकी ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। द बल्ब ऑफ द अफेक्टेड प्लांट शोज सॉफ्ट रॉटिंग एंड द रूट्स गेट रूटेड। देखो जो इसके बल्ब होंगे उसमें भी रॉटिंग आपकी आ जाएगी, बल्ब की बात करें मिट्टी के नीचे, ठीक है, और एंड द रूट्स गेट दी रूटेड। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं ऑनियन की बात करते हैं, ऑनियन की बात करते हैं तो आपकी जो है जो बल्ब है आपका, इसकी फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, सॉइल के अंदर होती है, ठीक है, कहाँ होती है, सॉइल के अंदर होती है, ठीक है। आपकी ऑनियन अगर हम बात करते हैं इसकी आपकी मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट में देखो आपको कोई भी जो फंजीसाइड है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ड्रेंचिंग आपको कर देनी है, ठीक है। तो बाकी ऑनियंस आर वेरी सेंसिटिव टू लो सॉइल कॉपर लेवल्स, ठीक है। बाकी डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं, अगर हम डाउनी मिल्ड्यू की बात करें, इसका सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, फंगल डिजीज हमारी अगेन है। अगर डाउनी मिल्ड्यू की बात करें, इसका जो कॉजुअल ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, आपका पेरोनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है इस डिजीज का। सिम्टम्स की बात करते हैं, वाइट डाउनी ग्रोथ आपकी हो जाएगी, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगी, पत्ते के सरफेस पे, जो पत्तों के सरफेस है वहाँ पे आपकी जो है आपको पाउडरी टाइप आपको वहाँ पे आपको कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो आपके फिर इसमें भी सेम वही होगा, आपका जो पत्ते आपके ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमने मैनकोजेब की हमने 2-3 बार यहाँ पे स्प्रे करनी है ताकि जो है आपको जो छुटकारा इससे मिल जाए। नेक्स्ट स्मट की बात करते हैं, स्मट में भी ध्यान रखना है, आपकी फंगल डिजीज अगेन है, फंजाई फंगस के द्वारा आपकी स्प्रेड होती है। फंगस की बात करें, कौन सा कॉजुअल ऑर्गेनिज्म आपको होगा, यूरोसिस्टिस कैप्यूली इसका फंगल है, फंगस है, इसी फंगस और कॉजुअल ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये आपकी जो डिजीज है आपकी स्प्रेड होती है। अगर हम पत्ते की बात करें, पत्तों के सरफेस की बात करें, तो वहाँ पे आपको ब्लैक स्मट आपको सिम्टम्स, ब्लैक स्मट आपको वहाँ पे सिम्टम्स दिखाई देंगे ब्लैक कलर के, और ब्लैक पाउडरी मास जैसा आपको नजर आएगा, ठीक है, आपका जो है पत्तों के ऊपर। हमने क्या करना है, इसकी समट से छुटकारा पाने के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट हमें पहली करके रखनी है, थीरम और कैप्टान के साथ में, ठीक है, इसके साथ में हम सीड जो है हम ट्रीटमेंट हम इसकी कर सकते हैं। वही हम पेस्ट की बात करना चाहेंगे, पेस्ट कौन कौन सी आपके आएंगे, अगर पेस्ट की बात करें ऑनियन थ्रिप्स, अगर हम ऑनियन थ्रिप्स की बात करें, सिंपल सा देखिए आपको ध्यान यहाँ पे देना है, इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, थ्रिप्स तबाकी इसका साइंटिफिक नेम है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डैमेज आपका कैसे करेगा, जब आपका ये आपका एडल्ट स्टेज पे होता है। अगर हम ऑनियन थ्रिप्स की बात करें, इसकी आपकी एंटोमोलॉजी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, एंटोमोलॉजी में देखा होगा कि आपकी जो भी इंसेक्ट्स हैं आपकी अलग अलग स्टेज होती है। जब आपका एडल्ट स्टेज पे होगा और आपका निम्फ स्पेज पे होगा, ठीक है, तो ये पत्ते के जो टिश्यू हैं उसके ऊपर ये फीड करेगा, पत्तों को खाएगा, उसके टिश्यू को खाएगा और उसका जो प्लांट का जो जूस है उसको ये फीड कर लेगा, ठीक है, जब ये एडल्ट और निम्फ स्टेज पे आपका होगा। जो इंसेक्ट है, ठीक है, ये आपका विजिबल टू दी यूनाइटेड आईज एंड आर दी सीन मूविंग वरास्कली इन दी फ्लावर्स एंड लीव्स। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है कि आपका जो ऑनियन थ्रिप्स की बात करें तो ये आपके फ्लावर्स और लीव्स पत्ते जो हैं उनको डैमेज करता है, और गार्लिक जो प्लांट्स है उसको भी डैमेज इसी तरह से करता है जैसे आपका ऑनियन को करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये देखो थ्रिप्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो आपके ये हैं कीट हैं, ये आपके ऑनियन थ्रिप्स है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह के आपको जो है ये दिखाई देंगे। तो इसकी रोकथाम के लिए हमने क्या करना है, हमने रेजिस्टेंट वैरायटी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी व्हाइट पर्सियन जो वैरायटी है। ठीक है, ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि आपके थ्रिप्स को रेजिस्ट कर पाए, यानी कि इसमें थ्रिप्स का अटैक ही नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ ऐसे जीन्स है जो ऑटोमेटिकली इसको डैमेज कर देंगे। आपकी ग्रेनो है, आपकी स्वीट स्पेनिश आपकी है, और आपकी क्रिस्टल बैक्स है। ये जो वैरायटीज आपको याद रखनी है जो कि आपकी रेजिस्ट करती है, आपकी किसके लिए, आपकी थ्रिप्स के लिए रेजिस्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज आपकी है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे नीम कोटेड यूरिया भी हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जो हमारे पेस्ट ने जो डैमेज किया है वहाँ पे नीम कोटेड यूरिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी केमिकल हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड स्प्रे हम कर सकते हैं, स्काई ब्लू कलर स्टिक ट्रैप्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड कोई भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑनियन मैगॉट की बात करेंगे। अगेन जो ऑनियन मैगॉट है आपका क्या है, ये आपका पेस्ट है, इंपॉर्टेंट पेस्ट है। अगर हम इस पेस्ट की बात करते हैं, सिंपल सा ध्यान रखिएगा, इसका जो आपका साइंटिफिक नेम होगा, साइंटिफिक नेम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपका डेलिया एंटिक्वा होगा। क्या है, डेलिया एंटिक्वा इसका साइंटिफिक नेम है। वहीं हम इसके डैमेज सिम्टम्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डैमेज सिम्टम्स की बात करेंगे। देखो डैमेज सिम्टम का ध्यान दीजिएगा कि जो आपके मैगोट्स होंगे ये आपके बोर करेंगे बल्ब को। मैगोट्स आपके जो बल्ब हैं, ठीक है, जो आपका प्याज होता है, ठीक है, जो आपका प्याज होता है, ठीक है, इसमें बोर यानी कि छेद करेंगे। इसके अंदर ये जो प्याज का आपका ये है बल्ब है, इसमें आपके छेद कर देंगे, बोर कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये आपके बोर करेंगे, कॉजिंग दी प्लांट्स टू बिकम फ्लेबली एंड येलोइश। ठीक है, जो प्लांट्स होगा आपका वो येलो कलर का आपको नजर आएगा। देखो इसके जो पत्ते होंगे आपके ऐसे इस तरह के आपके येलो कलर के आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो समझ लो ऑनियन जो मैगॉट्स हैं इन्होंने क्या कर दिया है, डैमेज आपका पहुंचा दिया है। ठीक है, इसमें तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये भी आपका जो मैगॉट्स है आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, आपका जो है देखिए यहां पे आपको नजर आ रहा है। देखो ये आपके मैगॉट्स है। ठीक है, देखिए साउंड चला गया था। ठीक है, अभी क्लियर है ना सभी को साउंड, अभी क्लियर है ना साउंड आपको। चलिए कहाँ से साउंड गया था, बच्चों रिस्पांस दिया करो अगर कोई क्लास में है, जो भी क्लास देख रहे हैं रिस्पांस क्या करो भाई। कहाँ से साउंड गया है? आपका पहुंचा दिया है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखो ये आपके मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। देखो अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, सिंपल सा देखो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमने जो स्पीसीज है आपकी ऑनियन की, देखो इसकी अलग अलग स्पीसीज आपकी हैं, कई बार स्पीसीज से क्वेश्चन ये आपके आ जाते हैं। अगर हम एलियम फिस्टुलोसम की बात करें, अगर ये एलियम फिस्टुलोसम जो स्पीसीज हमारी है, अगर हम इसको कल्टीवेट करते हैं या आपकी रजिस्ट करते हैं, देन दैट ऑफ आपकी एलियम सीपा से, जो एलियम सीपा जो स्पीसीज है इससे बेटर आपकी जो मेगाहर्ट्ज़ के लिए मानी जाती है, रजिस्ट का जो काम करती है एलियम फिस्टुलोसम स्पीसीज आपकी क्या है, रजिस्टिंग आपकी स्पीसीज है जो आपकी मेगाहर्ट्ज़ को क्या करेगी, रजिस्ट करेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। हमें एलियम जो फिस्टुलोसम है, अगर आपके मेगाहर्ट्ज़ आपके हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम एलियम फिस्टुलोसम जो स्पीसीज है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और बाकी 10 किलोग्राम आपको कार्बोक्साइल यूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर बात करें हम यहाँ पे जो फोरेट है इसके हम लाइट इरिगेशन दे सकते हैं 10 ग्राम, ठीक है। वही हम बात करते हैं, स्प्रे कर सकते हैं मिथाइल डिमेटोन की 25 EC और डाईमिथोएट 30 EC हम दे सकते हैं। आपका 500 से 750 लीटर पानी के साथ पर हेक्टेयर में हम अप्लाई करेंगे। आपका मिथाइल डिमेटोन की बात करें और डाई मिथोएट की बात करें, आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, क्या आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए वही हम बात करें, ये तो हमने डिजीज़ और पेस्ट के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो आपका ऑनियन है, ठीक है, विटामिन बी का रिच सोर्स माना जाता है, विटामिन बी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे पॉलिनेशन आपकी होती है, देखो पहली बात है क्रॉस पॉलिनेशन आपकी ऑनियन में होती है। अब क्रॉस पॉलिनेशन अगर ऑनियन में आपकी होगी वो कैसे होगी, आपकी हनी बीज के द्वारा होगी। कौन करेंगे? आपके हनी बीज जो है पोलन आपके उठा के लाएंगे, आपके स्टिग्मा के ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आपका फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या बनेगा, आपका सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, ठीक है। अगर हम हनी बी की बात करते हैं, हनी बी के द्वारा पॉलिनेशन यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा ना कि जो आपका ऑनियन जब आप खाते हो तो आपका थोड़ा सा मिर्च जैसा टाइप उसमें होता है, यानी कि पंजेंसी उसमें आपकी दिखाई देती है। जो पंजेंसी आपकी ऑनियन की होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, वो किसके द्वारा होती है आपकी, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। अगर हम एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की बात करें, ठीक है, यही पंजेंसी का कारण है आपका ऑनियन में। पंजेंसी जो आपकी आती है, जो आपकी थोड़ी सी मिर्च जैसी टाइप लगती है आपको, ठीक है, तीखा आपको लगता है ऑनियन, वो आपका इसी की वजह से लगता है, ठीक है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है इसको। वहीं हम बात करते हैं कूल सीजन क्रॉप, यानी कि रबी सीजन पे ऐसे ग्रो करते हैं, बाकी खरीफ में भी लगाते हैं, कई जगह इसको कल्टीवेट करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ एरियाज में इसको कूल सीजन पे ग्रो किया जाता है। वही हम बात करते हैं दी कलर ऑफ आउटर स्किन ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू, इसमें जो इसका बाहर वाला जो कलर होता है ऑनियन का, ठीक है, जो स्किन होती है बाहर वाली इसकी, उसमें एक पिगमेंट आपका होता है, वो पिगमेंट का नाम क्या है आपका, क्वेरसेंटिन पिगमेंट है। इसी की वजह से इसका जो ऑनियन का जो कलर है, आपका स्किन का कलर आपका कलरफुल आपकी बाहर वाली स्किन होती है, ठीक है। और बाकी अगर बात करें, ऑनियन इज वेरी यूजफुल इन सनस्ट्रोक के लिए यूजफुल मानी जाती है। और बात कर रहे हैं हम बोल्टिंग स्टेम इलोंगेशन इज ऑनियन ड्यू टू, ठीक है। देखो आपका जो स्टेम है, स्टेम की इलोंगेशन, जो आपकी स्टेम इसकी आपने देखी होगी, आपने ऑनियन की कितनी लंबी आपकी जाती है, कितनी लंबी आपकी लॉन्ग स्टेम होती है, वो आपकी लो टेम्परेचर के कारण ही आपकी लंबी, उसका लंबे होने के कारण है। टेम्परेचर कम होगा तो आपकी क्या होगी, उसकी जो स्टेम है आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन ऑनियन एंड गार्लिक पर्पल ब्लॉच इज ड्यू टू, देखो अगर पर्पल ब्लॉच की बात करते हैं, ये जो आपका है आपका डिजीज है, पर्पल ब्लॉच इज ड्यू टू अल्टरनेरिया पोरी। ठीक है, अल्टरनेरिया पोरी कॉजुल ऑर्गेनिज्म से इसी के द्वारा आपकी होती है, आपकी ऑनियन और गार्लिक दोनों में पर्पल ब्लॉच आपकी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़ी मार्केट महाराष्ट्र में ऑनियन की है। ठीक है, और महाराष्ट्र में कहाँ पे? लसलगांव। ठीक है, लसलगांव की ऐसी जगह जहां पे सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में मानी जाती है जो ऑनियन की है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं आपकी कैटकॉल की बात करें। ठीक है, ये आपका फिनोलिक फैक्टर है, इसमें फिनॉल आपका प्रेजेंट होता है, ये ऑनियन में पाया जाता है। ठीक है, ये एंटी फंगल का काम करता है। एंटी फंगल का मतलब क्या होता है? फंगल को रोकना, फंगस को रोकना। आपका कैटकॉल, ये आपको याद रखना, क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हमने देखो ऑनियन की स्प्राउटिंग हमने चेक करनी हो, ठीक है, और जर्मिनेशन ऑफ ऑनियन ड्यूरिंग स्टोरेज इन स्प्रिंग हमने यहाँ पे देखो। अगर हम बात करते हैं आपकी ऑनियन स्प्राउटिंग की बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको ये करवाया है, कहाँ पे? जब हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा है, ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, ऑनियन को जब हम क्या करते हैं आपका स्टोर करते हैं, जब हम ऑनियन को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, आपके स्टोरेज पे क्या होगा कि होता है आपको जनरली आपको क्या होता है स्प्राउटिंग आती है। स्प्राउटिंग का मतलब आपकी जड़ें आ जाएंगी स्टोरेज टेम्परेचर पे जब स्टोर करते हैं, और यहाँ पे आपके कुछ स्प्राउटिंग इस तरह के आपके पत्ते आना स्टार्ट होते हैं स्टोरेज टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर हम स्प्राउटिंग की बात करते हैं, ठीक है, अभी क्लास पे कोई स्टूडेंट किया आज यूजी वाले बच्चे पता नहीं कहाँ भागे, उनका परसों एग्जाम है। यूजी वाले बच्चे कहाँ पे? यूजी वाले, वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पल जी, आप बड़े लेट आ रहे हो क्लास में। बड़े लेट आ रहे क्लास में। चलिए, आज एब्सेंट है स्टूडेंट। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं आपकी कैच कॉल की बात कर ली, इसके बाद हम स्प्राउटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर आप स्टोरेज की बात करें, जब हम ऑनियन को स्टोर करते हैं तो आपको जनरली देखने को मिलता है कि इसमें स्प्राउटिंग आपकी हो जाती है। ठीक है, स्प्राउटिंग आपकी हो जाती है, आपकी जड़ें आना स्टार्ट हो जाती है टेम्परेचर पर, जो कि आपकी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। ऑनियन को हमने स्टोर करना हो तो अगर इसको फिर उसके बाद स्टोर के बाद हमने इसको मार्केटिंग करनी हो, हमने बेचना हो इसको, तो इकोनॉमिक लॉस फार्मर को हो जाता है इसकी वजह से। तो हमें कौन सा हार्मोन हमें यूज़ करना चाहिए? तो आपका एमएच, यानी कि अगर एमएच की बात करें मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, मैलिक हाइड्राजाइड आप ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं आपका ऑनियन स्प्राउटिंग के लिए। ये क्वेश्चन देखो आता भी है, मैलिक हाइड्राजाइड के ऊपर आपका क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, मैलिक हाइड्राजाइड के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पेस्ट आपके थ्रिप्स हैं, हमने थ्रिप्स के बारे में अभी बात कर ली। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रे, हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी फेट की स्प्रे कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट पेस्ट आपके आते हैं थ्रिप्स। और डैमेज कैसे पहुंचाते हैं मैंने आपको बता दिया, पत्तों पे कैसे आपके थ्रिप्स वहाँ पे अटैक किए थे। ठीक है, ऑनियन में, और आपकी ये लार्वल स्टेज में और आपकी सॉरी अडल्ट स्टेज में और निम्फ स्टेज में इन्फेक्ट करते हैं आपके। ठीक है, किस में? ऑनियन में। तो ये हमारा ऑनियन इतना ही था। देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने डिस्कस यहाँ पे कर ली, और बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की वजह से मेरी समझ से जरूरत नहीं है। आपको इतना कवरअप कर लो, इसको याद कर लो तो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास का लिंक अभी थोड़ी देर में आपको आना है, थोड़ी देर मान के चलो आपको 15-20 मिनट में आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक आ जाएगा, यानी कि 2 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास होनी है। तो सभी रेडी रहिएगा अगली क्लास के लिए। तो सेशन को लाइक कर दो यार, ठीक है, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। किसी को डाउट तो नहीं है कोई टॉपिक में? किसी तरह कोई डाउट हो आपको, आप जल्दी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो? किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो? हाँ तानिया जी, क्लास है अभी, ठीक है, आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास है अभी, क्रॉप्स मैंने करवानी है। इसके बाद आपकी जो क्रॉप्स इसके बाद आपकी होगी वो आपकी कॉलीफ्लावर कराऊंगा, ब्रिंजल है, टमाटो है, स्पाइनच है, कैबेज है, ये क्रॉप्स हम आज पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कवरअप करेंगे। आज हम सीड साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आपकी लंबी क्लास जाएगी सीड साइंस टेक्नोलॉजी की, आपकी 4-5 घंटे क्लास जाएगी सीड साइंस टेक्नोलॉजी की, वो हम नाइट में डिस्कस करेंगे। आज आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेज है क्योंकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है, टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है। तो वैसे में आपका सिलेबस जल्दी फटाफट से अब हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि जो PG JRF वाले हैं 10 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और वायस प्रमाण का जो सिलेबस आपका 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट होने वाला सिलेबस है आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, 2 बजे भी क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम मिलते हैं। थैंक यू।